लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, मतलब सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का 34 साल का मेरे पास में आया था कुछ दिन पहले, और वो बता रहा था कि उसको काफ़ी दिनों से सोशल एंग्जाइटी है, मतलब बाहर आना जाना उसमें दिक्कत है, लोगों से मिलना जुलना उसमें दिक्कत है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डेयरिंग नहीं होता, लोगों को अवॉइड करना, घर पे बैठना, ऐसा होते रहता है। फिर उसने उसके लिए डॉक्टर्स को संपर्क किया, एक दो तीन डॉक्टर बदल दिए और उन्होंने उनको कुछ दवाई दिया, जिससे उसका प्रॉब्लम जो है वो 60-70% ठीक हो गया। मगर भी प्रॉब्लम ये हो गया कि उसको उसकी अभी शादी तय हो चुकी है, आने वाले महीने में 4 महीने में उसकी शादी होने वाली है, मगर उसको कोई लड़की की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं है, उसको कोई इच्छा ही नहीं होती। मतलब वो जानबूझ के कोई लड़की से बात करना चाहता था तो इच्छा होती नहीं कि भाई कुछ बात करे, अच्छा लगता है, उसको लगता ही नहीं। अभी जो उसकी वधू होने वाली है, मतलब नव वधू जो है, अभी शादी हुई नहीं है, जिस हाथ में एंगेजमेंट है, उसके हाथ में बात करता है तो बड़ी मुश्किल से बात करते हैं। मतलब उसको लगता है कि भाई बात नहीं किया तो अच्छा है, उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं, उसको कोई मज़ा नहीं आता बात करने में, और उसको लगता है कि भाई मैं शादी करूँ तो फिर जब मेरी इच्छाएं होंगी ना तो फिर कैसा होगा, वो लड़की तो निकल जाएगी, बोलेंगे आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर उसको ये प्रॉब्लम है कि भाई बिल्कुल ही सेक्सुअल डिजायर नहीं है, तभी तो उसके लिए क्या करें। तो मैंने उसको बताया कि भाई देख भैया, मैंने आपको पहले टेस्ट करता हूँ, पूरी टेस्ट कर लो। सब टेस्ट उसके करवाया, सीरम टेस्टोस्टेरोन से लेके पूरे डॉपलर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, सब टेस्ट करवाया, सब नॉर्मल थी। तो अभी कहीं तो भी यहाँ खटका बैठा हुआ है, कुछ तो भी हुआ है ऐसा बचपन में कि जिसकी वजह से उसको इच्छा ही नहीं हो रही। तो फिर एक दो बार मैंने बोला आपको आना पड़ेगा, देखेंगे, चर्चा करेंगे, मालूम पड़ेगा क्या है। तो और फिर जब वो एक दो बार आया तो दूसरे इसमें काउंसलिंग सेशन में उसने उसकी जब कहानी बताना चालू किया तो उसमें से वो क्लियर हो गया। 13-14 साल का बच्चा, घर में सब एक ही साथ सो रहे हैं, और उसने माँ बाप का सेक्स करते हुए देखा, और उसने उसको उसके पिताजी को उसके माँ को प्रेशर करके, फोर्स करके उसने सेक्स करने के लिए बोला, और उसकी माँ नहीं नहीं बोल रही थी, वो माँ के ऊपर बहुत प्यार करता था, और पिताजी बहुत कड़क स्वभाव के थे, उनके प्रति नफरत थी, उनके प्रति मतलब उसको ऐसा बहुत कुछ ऐसा क्लोज नहीं था पिताजी को। और जब वो रात में उसने वो देखा कि ऐसा हो रहा है कि माँ नहीं बोल रही है और ये जबरदस्ती कर रहे हैं, और वो उन्होंने जो भी किया उसको अंधेरे में दिखा नहीं क्या हो गया, तो उठ के बाजू के कमरे में फिर बाद में चले गए, उसको ऐसा हो गया कि ये कुछ तो भी कर रहे हैं माँ के साथ में जो करना नहीं चाहिए, वो माँ नहीं बोल रही है। और फिर उसको धीरे 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 समझ में आने लगा, एक कुछ महीने बाद में कुछ थोड़ा बड़ा होने लगा कि वो सेक्स कर रहे थे, और फिर वो सेक्स मतलब कुछ तो भी गलत है, माँ मुझे बहुत प्यारी है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जबरदस्ती हो रही है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, जो पिताजी ने किया वो है, और वो करना अच्छा नहीं है, ऐसा उसके दिमाग में आ गया। तब से उसका इंटरेस्ट ही पूरा निकल गया, उनका जो था उसके दिमाग में वो कैरी कर रहा था। जब उसको मैंने बताया कि देख भैया, जो भी हो गया वो पास में हो गया, अभी वो सब तू कैरी कर रहा है, अभी हो रहा है वो, अभी तेरे पिताजी तेरे माँ को जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं अभी तो नहीं कर रहे, कब हुआ, 20 साल पहले हुआ, 20 साल पहले तूने वो सीन देखा जिसको बोलते हैं हम प्राइमल सीन, और जो करना नहीं चाहिए था उन्होंने वो किया आपके पिताजी ने, आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं उस लायक नहीं हूं, आपने दिमाग में क्या लाया कि वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरे माँ के ऊपर जिसके ऊपर मैं प्यार करता हूं उसके प्रति ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, और मैं कुछ विरोध नहीं कर सका पिताजी का, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा दिमाग में उसके डायलॉग पक्के बैठ गए, तो मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और मैं जिससे प्यार करता हूं उसको कुछ तो भी ऐसा किया कि जो नहीं करना चाहिए था, और जब बड़ा हो गया तो मालूम पड़ा कि ये सेक्स का, तो उसको उसके प्रति एक नफरत सी हो गई, एक घृणा जैसी हो गई, और बाद में उसकी इच्छा ही निकल गई। तो ये दिमाग में वो कहानी चालू रखता था, वो कहानी चालू थी जब उसको प्रेजेंट हो गया उसको कि भाई ये कहानी है, और वो उम्र है 34 साल मगर जिंदगी जी रहा है 14 साल के बच्चे की जब ऐसा हुआ था। तो फिर जब उसको क्लियर कट मालूम पड़ा, उसके सामने फैक्ट आ गई कि मैं तो 14 साल का लड़का भी जिंदगी जी रहा हूँ, अभी तो मेरी उम्र 34 साल की है, वो जो कहानी लेके बैठा हूँ वो कहानी, जब उसको मैंने बताया कि जब तू छोड़ेगा तभी तू ठीक होगा,
तो एक दो और सेशन मैंने बुलाया, उसने जो पकड़ के बैठा हुआ था दिमाग में वो छोड़ दिया, और बाद में उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना चालू हो गया। उसने उसका जो मैरिज था वो जो आने वाले 3 महीने में होने वाला था उसने उसको पोस्टपोन कर दिया। बोले मैं बोले ठीक होता हूँ और बाद में शादी करेंगे। बाद में फिर वो मेरे पास में आए, बोलेंगे ठीक है अभी मुझे अच्छा लग रहा है और अभी मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो बचपन में ऐसी कोई घटना होती है जिसकी वजह से इच्छा ही नहीं होती और सेक्स के प्रति एक घृणा, एक नफरत पैदा हो जाती है, और सिर्फ नफरत घृणा नहीं इच्छा ही निकल गई इसकी। तो इसका कारण कहीं तो भी अंदर दिमाग में बैठे रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जब हम निकालते हैं उसके प्रति जो एक विचार बैठा है कि वो ठीक नहीं है, ख़राब नहीं, और मैं भी अच्छा नहीं हूँ, वो जब निकाल दिया तो वो ठीक हो गया। तो ऐसे काफ़ी लोगों को ये परेशानी होंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग ये बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और अपना जीवन अच्छी तरह से जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।